रियल स्टेट एड विद जिमी सिंह, और आज हम जिमी सिंह के साथ हैं। इनसे हम रियल एस्टेट के बारे में पूछना चाहते हैं। जिमी, हमारे बहुत सारे जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के लोग जीटीए में, अल्बर्टा से इवन लोग मूव होके आ रहे हैं, तो ये सवाल हमें बहुत आ रहा है कि हम लंदन, जो एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट इस वक्त बन रही है, उसमें क्यों इन्वेस्ट करें? श्योर। सो रिजवान, एनी टाइम आई इन्वेस्ट पर्सनली कहीं भी, जैसे मैंने अगर हैमिल्टन में इन्वेस्ट किया, डाउनटाउन में किया, आई लुक एट फोर थिंग्स। ठीक है, पहली बात, क्या उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, और 4 लाख से ऊपर उसकी आबादी होनी चाहिए। ठीक है, आई कैन बाय यू नो नाइस हाउस इन अ जंगल, बट जब रीसेल का थम आएगा, किराए पे देने का, देन यू हैव हेडेक्स। ठीक, सो आई वांट जिसमें लोग मूव करना पसंद करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड। सेकेंड थिंग, उसमें जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, इट ब्रिंग लॉट ऑफ यू नो एफ्लुएंट फैमिलीज जिनके बच्चे आते हैं। जैसे यहाँ वेस्टर्न है, आपने डेंटिस्ट बनना है, आपने अपना बिजनेस का कुछ डिग्री करना है, कुछ भी बनना है, सो इट इज़ यू नो वर्ल्ड में टॉप में गिनी जाती है। हमारे पास फैनशा कॉलेज है, लास्ट ईयर दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम पायलट का, किसने अगर कमर्शियल पायलट बनना है, यू कैन गो टू फैनशा। आपको कोई ट्रेड में जाना है, फैनशा में आप जाएंगे, राइट? तो स्कूल्स नंबर टू हैं। थर्ड थिंग मैं देखता हूँ कि वो सिटी में आने और जाने के लिए हाईवेज कितने पड़ते हैं। सो हमारे बेनिफिट क्या है, हमारे एक तो 401 है, ठीक है, इट गोज ऑल द वे टू विंजर। सो द मेन ब्यूटी अबाउट लंदन इज समवेयर मिडल ऑफ टोरंटो एंड विंजर। सो जो बंदे यूएस में काम करते हैं उनको मिडल में पड़ते हैं, टोरंटो में काम करते हैं मिडल, राइट? क्योंकि आजकल कंपनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आप रह के घर में भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो जाता है 402 जाता है सारनी है, यूएस बॉर्डर। सो आई हैव एक्सेस टू टू यू नो बॉर्डर्स टू यूएस, क्योंकि हमारा 401 जितनी फ्लाइट है कनाडा में, जितना इंपोर्ट आता है यहीं से आता है हाईवे से, राइट? सो दैट इज समथिंग। अभी गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि कुछ समय के बाद मे बी देयर स्टार्ट अ बुलेट ट्रेन फ्रॉम विंजर टू यूनियन स्टेशन। जब वो हो गई अप्रूव, जब आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, बट जब अगर हो गई, आपका देखना कैसे दाम चलेगा, राइट? सो दैट इज थर्ड कॉम्पोनेंट, के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सिटी में। और फोर्थ जो चीज़ है कि जॉब ग्रोथ कैसी है। ऑब्वियसली अगर आपको एज इन्वेस्टर पैसा लगाना है, किराएदार चाहिए, अगर आपको रहने के लिए मूव कर रहे हो, तो आपको देखना है कि मेरी जो इंडस्ट्री है। सो टिपिकली लंदन इज हेल्थ केयर हैवी, मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्थ केयर में ज़्यादा हैं। 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं LHSC के पास इस वक्त। सो हेल्थ केयर इज़ नंबर वन गाइस। एम्प्लॉयज़ अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, दिस इज़ अ टाउन फॉर यू, राइट? अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ लाइक पीपल फ्रॉम GT और कमिंग, वो डाउन साइज करके मिलियन डॉलर का घर बेचते हैं, या कैश 5 लाख का खरीदते हैं, 5 लाख बैंक में डालते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर में आपकी वेटिंग नहीं है। इफ़ यू गो टू इटोबिकोक, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, हॉस्पिटल जैम पैक्ड, राइट? सो ये भी हमने देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे के क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, राइट? एंड उसके बाद जो लंदन में अच्छी चीज़ क्या है कि नॉर्थ से साउथ में जाना 30 मिनट में शहर खत्म हो जाता है, राइट? प्लस यू आर इन विद इन द नेचर, आपका स्प्रिंग बैंक पार्क है, दिस कंजर्वेशन एरियाज, 30 मिनट दूर पोर्ट स्टैनली बीच है, 45 मिनट दूर ग्रैंड बैंट है, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू सी कि जो फैमिली आती है वो मतलब जो चीज़ कूलिंग देख रही है, अगर हाईवे में एक्सेसिबिलिटी देख रही है, अगर वो जॉब ग्रोथ देख रही है। एज आई सेड, मोस्टली एम्प्लॉयज जो लंदन में है, नंबर वन हेल्थ केयर है, उसके बाद जो मैकेनिकल भी हैं, 3M हो गया, जनरल डायनामिक्स हो गया, उसमें भी कई इंजीनियर्स हैं, वो जनरल डायनामिक्स आई थिंक आर्मर्ड व्हीकल वगैरह बनाते हैं। उसके बाद पीछे अनाउंसमेंट हुई थी कि मेपल लीफ का जो प्लांट क्लोज हो रहा है ब्रैम्पटन मिल्टन के पास, यहां पे आ रहा है। वो इधर आ रहा है अपना हाईबरी और 401 के पास आ रहा है, इट विल क्रिएट 1500 जॉब्स। ठीक है, सो 1500 जॉब्स 2021 में वो अपना मुकम्मल होएगा, तो 1500 जॉब वो भी आ रही है। ठीक है, एंड इफ यू यू नो सी द वेबसाइट ऑफ हमारा मेयर जो है अपना एड मेयर, सो एड हाँ जी होल्डर, तो उसने बताया कि पिछले 6 महीने में अपना 5,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं टेक्नोलॉजी साइड में, राइट? सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स यू नो गोइंग फॉर द सिटी। एंड अदर थिंग ब्यूटी इज के हमारा जो अगर हम टॉप शहर देखते हैं, चाहे आप GTA का कोई शहर ले लो, इवन नियाग्रा फॉल ले लो, ऑटवा ले लो, इफ़ यू सी द कैनेडियन हाउस प्राइसिंग, एवरेज हाउस इन लंदन स्टिल लेस देन 430। नियाग्रा फॉल में 450 है, ब्रैम्पटन में चले जाओगे 7 लाख से ऊपर है, आप हैमिल्टन में चले जाओगे 6 लाख से ऊपर है, किचन वाटर रूम में मिड फाइव यू नो 500 है। सो इफ यू गो अलॉन्ग दैट, आई थिंक 420 इज अ रियली गुड डील। एंड लास्ट ईयर अगर स्टैट्स देखते हो, ईस्ट लंदन जो है वो अपना 18% ग्रो किया है, साउथ 12% ग्रो किया है। सो यू हैव टू सी के एट द एंड ऑफ द डे वेर यू पुटिंग योर मनी, एंड इट इज मनी इज वर्किंग हार्ड फॉर यू। सो दोज आर ऑल द एस्पेक्ट्स।
एंड इस महीने आई एम वर्किंग ऑन टू अमेजिंग प्रोजेक्ट्स एज अ इन्वेस्टर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं टाउन हाउस लंदन में लेता हूँ तो लो 400 से टाउन हाउस चालू हो जाते हैं. ठीक है. सो आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, किसी भाई बहन ने लेना है, किसी क्लाइंट ने लेना है. सो 4 लाख से आपका टाउन हाउस शुरू होता है, उसका किराया आपको 1800 से 2000 के बीच में आता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. ठीक है. एंड एनी टाइम यू बाय विद आवर टीम, वी रेंट, वी फाइंड टेनेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी. जैसे जितनी भी प्रॉपर्टी लंदन में मैनेज करूँ, क्लाइंट जी टी में रहते हैं, दे नेवर इवन नो कि टेनेंट कौन है. सो आई डू एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली. डिटैच घर अगर आपको बनवाना है, डिटैच हाई 400 से शुरू होते हैं सिंगल गराज वाले. अगर डबल वाले बनाने हैं लो 500, एंड बिल्डर टिपिकली नीड्स 10% डाउन. ठीक. और वो अगले साल भी आपको क्लोजिंग मिल सकती है, इस साल की भी क्लोजिंग मिल सकती है. ठीक है. तो इफ समबडी वांट टू मेक अ मूव, कम टू द सिटी, ड्राइव अराउंड, सी व्हाट इट हैज टू ऑफर. आई थिंक दिस ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन दिस सिटी, एंड आई हैव पर्सनली बॉट इन 2 ईयर्स अ टाउन हाउस एरिक ने इन्वेस्ट किया था, इट्स ऑलरेडी अप $150,000. वाओ. उसके अलावा जो 25-30 क्लाइंट है, देयर इज सुपर हैप्पी. बिकॉज एक क्लाइंट मेरे को फोन पे तो क्या बोलता है, अगर तू मेरे को जिमी मिस आगे से उठा के इधर घर ना दिखाता, मैंने खरीदना ही नहीं था. एंड उसको मैंने एक ब्लॉक बेचा, 4 अपना क्वाड है, सो 2 ऊपर की रोड, 2 नीचे. सो ही पेड आई थिंक 700,000 दैट टाइम, एंड द रेंट वाज लाइक ऊपर से आ रहा है 1500, नीचे से आ रहा है 1000. सो 2500 कितना हो गया, 5000 हो गया. सो 7 लाख की प्रॉपर्टी, 20% डाउन कितना हुआ, 1,40,000. 5000 महीने का उसका किराया आ रहा है. अभी वो सेम चीज 3.5 लाख बढ़ गई 2 साल में. सो ही इज हैप्पी. Because you can't find that product in Mississauga or Kitchener right or where now, right? On this price. हाँ जी, so I'm always looking for value, जैसे Warren Buffett, value investor है. Yeah. So अभी जहाँ rush नहीं पड़ा, शोर नहीं मचा, I just go in that market and do it. वहाँ पे जाए. हाँ जी. देखते रहिए Real Estate with Edge with Jimmy Singh, and हम आपके पास लेके आते हैं वो information जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी. Like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए Real Estate Edge with Jimmy Singh.